अब आपको एंगल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो अब आप कलर चेंज करें, थोड़ा और डार्क ले लें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आज की वीडियो में आपका। तो आज मैं एक यूनिक डिज़ाइन और आपके सामने लेकर आया हूँ, तो मैं इसको कोलड्रा के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसके बाद मैंने एक मर्सिडीज़ का साइन भी लिया हुआ है, मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार की शेप ले लेनी है, कंट्रोल प्रेस करके आप इसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से इसकी साइड से होती है वो थ्री साइड कर देना है, ये तीन साइड में आ जाएगा। थोड़ा लार्ज कर दें ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। फिर आपको यहाँ पर टू पॉइंट्स लाइन में जाना है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें और इसके सेंटर पॉइंट में यहाँ पर आपसे ड्रॉप कर दें। आप एक टूल लिया, क्लिक किया, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पर सेंटर पॉइंट आता है, देखो यहाँ पर स्टेप लेता है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। आप इसे यहाँ से रोटेट करें, कंट्रोल प्रेस करके रोटेट करें, राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट आपके सामने बन जाता है, फिर कंट्रोल आर प्रेस करके इसे रोटेट कर दें, तो ये शेप आपकी बनके तैयार हो जाती है। अब आपको इसमें स्मार्ट फिल से इनके पार्ट्स अलग अलग कर लेने हैं। पहले कलर फिल कर लेते हैं, आप यहां से कलर ले लें। देखो इसमें एक सिंपल सिंगल कलर ही है, तो आप सिंपली सिलेक्ट करके सिंगल कलर भी दे सकते हैं। यहां पर थोड़ा डबल कलर की सेट में है, तो आप यहां से इंटरेक्टिव टूल लेकर डबल कलर सेट देंगे, यहाँ पर सेम है, थोड़ा यहाँ नीचे डार्क कलर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर सिंगल कलर रेड है, इसमें डबल कलर की मिक्सिंग है, तो आप इंटरेक्टिव टूल लेकर ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा और लाइट देना है, तो आप लाइट कलर दे सकते हैं। आप रेड को थोड़ा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा लाइट कलर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर सिंगल कलर ग्रीन है, इसमें भी सेम कलर ही है, थोड़ा प्रेस करें इस तरह से। उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप इसे राइट क्लिक कर दें, राइट क्लिक से इसकी लाइनिंग जो होगी, आउटलाइन जो होगी वो हाइड हो जाएगी। अब ये जो बीच में से कट्स हैं, इनको कट करने के लिए आपको इसे थोड़ा जूम कर लेंगे, यहां से आप टू पॉइंट लें, यहां तक एक लाइनिंग लें, साइज यहां से आप इसका 16 या जितना भी चाहते हैं, जितना भी आप इसे लेंगे, थोड़ा सा इसे आउट की तरफ जरूर ले लें, क्लिक करें और यहाँ से इसका राइट क्लिक करके व्हाइट कलर क्लिक करें, जो इसका पॉइंट है सेंटर पॉइंट आप यहाँ पर छोड़ दें और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसे रोटेट कर दें, राइट क्लिक कंट्रोल आर इस तरह से। तो ये डिज़ाइन आपका बनके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक मर्सिडीज का साइन भी रखा हुआ है, ये देखो। अगर आप ये बनाना चाहें तो ये भी सेम इसी प्रोसीजर से बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगेन स्टार थ्री पॉइंट, लेकिन इसका जो अंदर का एरिया है ये ज़्यादा स्ट्रेच है, ये थोड़ा कम है, तो आप इसको यहाँ पर शेप टूल में जाएं और इसे थोड़ा अंदर की तरफ ले लें इस तरह से। सेम प्रोसीजर आपका वही, लाइनिंग स्ट्रेट, सेंटर पॉइंट, राइट क्लिक कंट्रोल आर अब यहां पर आप सर्कल ले लें,
आपको इसका शेप इसी तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका सेंट्रल अलाइनमेंट नहीं ले सकते। अब ये थोड़ा सा आपको एक स्टेप और लेना है। देखो यहाँ पर जब ये डिज़ाइन देखोगे आप, तो एक एंगल अंदर है और एक बाहर है, इसमें दो एंगल आपके बनाने पड़ेंगे, यानी आपके दो सर्कल यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो आप इसे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके एक एंगल बाहर की तरफ बनाएं, राइट क्लिक करें और एक और थोड़ा बाहर राइट क्लिक, जो अंदर वाला है वो थोड़ा कम कर लें, ठीक है। स्मार्ट फिल से आपने इसके अंदर कलर भरना है इस तरह से। अब इंटरेक्टिव टूल लेना है, यहां पर आप इसमें ब्लैक कलर दे दें और इस साइड में आपका व्हाइट रहेगा। अब यही कलर आपको यहां से इसका डुप्लीकेट लेना है, यहां से कलर को पिक किया और आउटसाइड वाले में भी फिल कर दें। बस आपको इसका एंगल जो है वो रोटेट कर देना इस तरह से। आपकी जो बीच की लाइनिंग है आप उसको राइट क्लिक करके वाइट कर दें और जो ये बाहर वाली है उसको भी वाइट कर दें। अब इनके अंदर कलर फिल करना है, इनके शेप्स अलग अलग बना लें स्मार्ट फिल से, देन आप इसके अंदर कलर फिल करें। आपका जो कलर है वो थोड़ा इस तरह से है, ये वाला सेम कलर आप यहां से ड्रॉप करें और इसमें फिल करें। जो लाइनिंग कलर है वो आप यहां से व्हाइट कर दें। अब जो एंगल अंदर का है देखो यहां पर वो थोड़ा कटा हुआ है, यानी पूरे कॉर्नर आपको वहां पर नहीं दिखाने का, तो दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा लार्ज कर दें इस तरह से और इसे कंट्रोल एंड से बैक कर दें। तो सिर्फ आपके कलर्स हैं जो थोड़े आपको ब्लैक की तरफ लेके जाने हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। ये इसके बैक में चला गया है उसकी वजह से इसमें कलर फिल नहीं हो रहे हैं, तो आप इसे फ्रंट ही लेकर आए पहले, क्योंकि बैक से ये वाला हिस्सा जो है इसका फ्रंट आ रहा है, उसकी वजह से इसमें कलर फिल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आपको एंगल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो अब आप कलर चेंज करें, थोड़ा और डार्क ले लें। अब इसे बैक करें, तो इस तरह से आप मर्सिडीज का साइन भी आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।